हेलो दोस्तों, आइए आइए, आपके लिए लाया हूं मैं फ्री में पांच ऐसी स्पीकर जिसकी आवाज सुन के आपकी कान फट जाएगी। कान बोला हूँ कान, आप लोग हमेशा गलत सुनते हो। दोस्तों, ये स्पीकर एक से बढ़ के एक है और इसकी आवाज इतनी मधुर है, इतनी सुंदर है। लेकिन आपके वहाँ पे अगर ये अवेलेबल नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, मैं इसी स्पीकर्स को रिव्यू करने के बाद आपको गिव अवे कर देने वाला हूँ। और मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि आप लास्ट में देखते रहिए गिव अवे के लिए, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं 500 लाइक्स का एम रखा हूँ। आप तो कर ही देंगे 500 लाइक्स, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे एक यूनिक चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कमेंट, क्योंकि बिना कमेंट के मैं किसी को विनर नहीं बनाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको कमेंट में एक ऐसा यूनिक कमेंट करना है जिसको सुन के ना हंसी आए। मतलब आपको तारीफ नहीं करनी है चीज की, अगर तारीफ करना है तो ऐसे वे में करना है कि मुझे कमेंट पढ़ के हंसी आए। तो जिसका कमेंट सबसे ज्यादा फनी होगा उसी को ये स्पीकर मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला मैं खोलता हूँ, ये छोटा सा JBL ब्रांडिंग तो लिखा है लेकिन आई थिंक ये JBL का नहीं है, ठीक है, ये बस ब्रांड नाम है। कितना प्यारा सा है ये, एक तो निकल गया, नहीं पता इतने बड़े बड़े कंपनी का ब्रांड इन लोग चिपका कैसे देते हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे देखिए दूसरा अभी निकल गया हमारा, लेकिन दूसरा देखिए कितना छोटा और कितना प्यारा है। यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग भी है, यहाँ पे इसको इसमें फंसा के अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं, वो लेके घूम सकती है, ऐसे टाइप से। आपकी मर्जी, आप किसी को भी गिफ्ट करिए, आपकी चीज़ है। तो चलिए तीसरा खोलते हैं, रिपोनिक करके ऐसा लिखा है, चीज़ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कैसा दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये कितना प्यारा स्पीकर है, चारों टाइप से ऐसा जूड़ी बना हुआ है, ठीक है, रिपोनिक का दूसरा वर्जन। लेकिन क्या इसका डिज़ाइन थोड़ा यूनिक है, मुझे अच्छा लगा इसका डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा है इसका डिज़ाइन, रॉक करके लिखा है। इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर ना थोड़ा सा बड़ा वाला स्पीकर है, ये जो छोटा है ना इसका, इसी छोटू का बड़ा भाई, दोनों दिखने में आइडेंटिकल है लेकिन शायद इसके अंदर बैटरी थोड़ा ज़्यादा है। चलो देखते हैं क्या है, और इसके अंदर भी कोई एक्सेसरीज तो नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्पीकर को देखिए, यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी मिलने वाला है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे पावर वन का बटन मिलने वाला है, और कहीं पे कोई बटन नहीं है, बाकी सब कंट्रोल आप अपने फ़ोन से करिएगा। और ये जो सबसे छोटू वाला, इसमें भी आपको एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग मिलने वाला है, पावर बटन मिलने वाला है, तो सबको आप इस माइक्रो यूएसबी से चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको चालू करके देखते हैं, पावर ऑन, ये M3 करके लिखाया है, यही होगा शायद। देखिए मैं फुल साउंड में बजा रहा हूँ इसको, कोई भी फटने का साउंड नहीं है, साउंड फट नहीं रहा है। पे सबको साउंड क्वालिटी वाइज इसको बॉर्डर में रख दिया है। अब किसका क्या बैटरी बैकअप है, ये सबसे छोटा, इसका बैटरी बैकअप सबसे कम होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा है ये बैटरी बैकअप, और इसमें सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी और डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा लगा, आप एक बार देखेंगे तो। इसके बाद ये नंबर आता है, ये JBL लिखा है, इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है लेकिन इसके जैसा नहीं है, लेकिन ये इसका कलर सिल्वर फिनिश में बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम प्रीमियम लुक दे रहा है। और उसके बाद साउंड क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है लेकिन इसमें उतना बेस नहीं है, इसमें ज़्यादा साउंड देने से बेस फट रहा है। ये जो छोटू वाला वर्जन है, ये दोनों में इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, बैटरी बैकअप अच्छा है, प्लस इसका बेस अच्छा है इसके हिसाब से। ये बहुत लाउड है लेकिन इसमें बेस नहीं है। तो ये है हमारा ऑर्डर अपने साउंड क्वालिटी के हिसाब से। दोस्तों ये छोटू स्पीकर्स का छोटू सा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके जो विनर्स हैं उसको या तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में अनाउंस कर दूंगा, या इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप अच्छा सा फनीस्ट कमेंट
जरूर करिए। मैं तब तक के लिए मिलता हूँ आपको मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में।